डिस्कशन। चलिए ओके एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 38 के बाद मैं पूछ रहा हूँ, बोल तो चला जाएगा। 39 40 41 41 42 43 बन गया है, 44 44 45 46 47 46 तो बनना चाहिए भाई, नहीं बनता तो बड़ा दुख की बात है, राइट। 47 47 ले, 48 50 51 52 ये मैं फिर भी लूंगा, ठीक है। 53 54 55 56 ये तो बन जाना चाहिए, 57 58 59 60 क्वेश्चन नंबर 4040। ए इक्वल टू टू वाई प्लस जे और माइनस टू के और बी इक्वल टू आई प्लस जे। इफ सी इज अ वेक्टर सच दैट ए डॉट सी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी एंड सी माइनस ए इक्वल टू टू रूट टू, देन एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी एंड द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी इज 30 डिग्री। ओके, देन ए क्रॉस बी क्रॉस सी के क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए। देखिए ए डॉट सी इक्वल टू क्या लिखेगा, ए का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड, करेक्ट ना। कॉस थीटा, ठीक है एवरीवन। आई इक्वल टू क्या है, ए दिया हुआ ना कंडीशन,
इसका मतलब कॉस थीटा इक्वल टू वन वाई यहां तक सही है। और ए का मैग्नीट्यूड पता है या नहीं पता है? ए का मैग्नीट्यूड तो निकाल लीजिएगा, कितना था? 3। इसका मतलब है कि हम लोग को ए और सी के बीच का एंगल पता चल गया, दिस द एंगल बिटवीन व्हाट, बिटवीन ए एंड सी। अब मैं बताऊंगा कि मैं एंगल क्यों निकाल रहा था। और ए माइनस सी इक्वल टू एक फार्मूला बताया था, याद है, ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस टू ए सी कॉस थीटा। और ए माइनस सी तो दिया हुआ है ना 2√2, तो ए का वैल्यू 3 का, ए का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 9 ना, 9 और प्लस सी माइनस 2 × 3 × c कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू तो पता है ना स्टूडेंट, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 = 9 + c² - 6c cos θ। ठीक है, तो c² और cos θ का वैल्यू 1/3 यहाँ पुट कर दें तो कितना हो जाएगा 2c ना, तो c² - 2c अब +1 = 0 लिख सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है? cos θ का वैल्यू यहाँ से यहाँ पे डाल देना है, तो क्या लिख सकते हैं c² - 2c अब +1 = 0, तो यहाँ से c का वैल्यू c - 1² लिख सकते हैं = 0, तो c का वैल्यू 1, राइट। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो इतना इतना जो मैंने काम किया वो किसके लिए किया? सर आप c का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे थे, राइट। ये तो चांस की बात है कि ए c - a² पे बैठ गया, एक क्वाड्रेटिक है तो ऐसा भी हो सकता था c का वैल्यू एक पॉजिटिव रहता है एक निगेटिव रहता, तो निगेटिव वाले को रिजेक्ट करते क्योंकि c यहाँ पर मेरा मैग्नीट्यूड था, ये राइट। यहाँ तक हटाएं, एवरीवन इसको हटाया जाए। तो देखिए एक्चुअल में हम लोग प्रॉब्लम में सर कैसे बढ़ेंगे, समटाइम्स आपको लगता होगा कि सर बिल्कुल ब्लैंक हो गया, समझ में नहीं आया करेक्ट क्या, राइट। इतना सारा चीज़ एक साथ दिया हुआ है, करेक्ट ना। तो अल्टीमेटली लास्ट में हम लोग को करना क्या था वो देखेंगे। तो हम लोग को करना था a × b × c, इज इट राइट, इसका वैल्यू चाहिए था। a × b × c का हम लोग को मैग्नीट्यूड चाहिए था। ओके, तो क्या हम लोग a × b = A मान सकते हैं इस? यस, तो यस सर अगर मान सकते हैं तो आपको a × c का मैग्नीट्यूड चाहिए, करेक्ट। तो भाई आपको a × c के लिए क्या लिख सकते हैं, a का मैग्नीट्यूड c का मैग्नीट्यूड एंड cos θ ऑलरेडी मान चुके हैं, वेर फाई द एंगल बिटवीन ए एंड सी एंड यूनिट वेक्टर, इसका मॉडुलस कि पूरे का मॉडुलस था, राइट। ए फाई दिया हुआ है, पता है आप लोग को क्या बोले? ओ सॉरी, साइन, हाँ साइन। अब आपको ए इसके बदले मैंने लिखा, अब फिर से इसको करेंगे, ठीक है।
पूरा का था ना। अब इसके बदले ए का मैग ए रूल है, एक्स वाई जेड का अगर मॉडुलस लेते हैं तो इसको ऐसे तोड़कर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, और एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है ना, और क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। अब आप देखिएगा कि आपको इसका वैल्यू पता रहेगा बट ये नहीं पता था, राइट। ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, करेक्ट, वहां देख लीजिए। तो ये तो चाहिए था ना, इसके लिए वो सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, करेक्ट। तो सर कैपिटल ए तो दिया हुआ था, कैपिटल ए क्या था, ए क्रॉस बी। क्या आप ए क्रॉस बी नहीं निकाल पाते? ए का वैल्यू कितना था, 2i प्लस जे माइनस 2k क्रॉस i प्लस जे, इज इट राइट। क्या आप ये काम नहीं कर पाते? तो एक ए क्रॉस बी का वैल्यू निकाल के बताइए। फर्स्ट i क्रॉस i 0 हो जाएगा, i क्रॉस j k हो जाएगा, राइट, 2k। j क्रॉस i कितना हो जाएगा, माइनस k, और j क्रॉस a 0, k क्रॉस i कितना रहेगा, j माइनस 2j, और k क्रॉस j कितना रहेगा, व्हाट द वैल्यू ऑफ k क्रॉस j, और माइनस यहां पे भी है, कितना हो जाएगा, 2i माइनस 2j और प्लस k, राइट। ये क्या मिला, यही है मेरा a, करेक्ट ना। तो क्या यहां से हम लोग a का मैग्नीट्यूड बता पाएंगे, कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इज इट राइट, हाउ मच, 3। तो भाई a वैल्यू हो गया 3, और ए वैल्यू अभी निकाले थे ना 1, और साइन 30 का वैल्यू कितना, √3/2, और इसका वैल्यू 1, तो कितना, अच्छा सॉरी हाफ, तो कितना कितना आंसर आ जाएगा, 3/2, यही तो आंसर होना चाहिए, करेक्ट आंसर शुड बी बी, इज इट राइट। तो एक क्वेश्चन में थोड़ा आपको आप लोगों को दिमाग दौड़ाना था कि हाँ क्या क्या चाहिए। आप लोग सिर्फ मेरे लिए छोड़ दिए थे या ट्राई किए थे? वेरी गुड। चलिए तो अब समझ में आ गया कि मैंने पहले सी का वैल्यू क्यों निकालना चाहा, क्योंकि जैसे ही मैंने इसको देखा था तो मेरे दिमाग में आया कि ये भी तो मैं पता कर लूँगा इस तरीके से, बट सी नहीं पता है। तो सी का मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि इसके इसके इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल दिया हुआ था 30 डिग्री क्वेश्चन में, राइट। इसको नोट कर लीजिएगा। फोर्टी वन सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हटाएं। चलिए 41 आप लोग ट्राई कीजिए, तो 41 आप लोग पहले ट्राई कीजिए, तब तक मैं एक बार थोड़ा सा स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ कौन कौन बच्चे प्रेजेंट हैं।
चलिए स्टूडेंट। अच्छा ये बताइए कि आप लोग को क्या है? मैंने ये पढ़ाया पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वहाँ पे ये बात पढ़ाया था कि कोई भी वेक्टर है अगर क्लोज पॉलीगन बनाता है तो उसका रिजल्टेंट जीरो होता है। वेक्टर ए किसको रिप्रेजेंट करता है? बी सी को। तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं ए बी सी, ए है मेरा वेक्टर ए, और उसके बाद बी किसको रिप्रेजेंट करता है? सी ए को, राइट। ए है वेक्टर सी, और ए किसको रिप्रेजेंट करता है? तो भाई ए बी सी मिलकर क्लोज पॉलीगॉन बना दिया, राइट। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी, मैं वो नहीं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग काम किया हूँ। ओ सॉरी सॉरी, ए ए बी है और ए सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो, राइट। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है, अतः हम लोग को क्या प्रूफ करना है? ए डॉट बी, ओके, तो भाई ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, ये भी तो जीरो हो रहेगा, करेक्ट ना? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो क्या ये हम लोग बोल सकते हैं? अगर मैं कोई बोलूंगा वेक्टर ए जीरो है तो ए डॉट ए क्या होगा? तो क्या बोलिएगा सर? जीरो होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इसका डॉट अगर लेंगे तो ए स्क्वायर मिलेगा प्लस बी स्क्वायर मिलेगा प्लस सी स्क्वायर, अब प्लस टू ए डॉट बी, अब प्लस बी डॉट सी, अब प्लस सी डॉट ए। देखिए तो इतना आएगा एवरीवन, ठीक है ना? ओके और ए प्लस, अब यहाँ पे ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये देखना है जीरो। ए प्लस बी प्लस सी इसका भैल यहाँ देखिएगा, अरे जीरो है तो इसका क्रॉस, इन दोनों का भी तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो ही रहेगा सेम वेक्टर का। और अगर इसको ब्रेक करते हैं तो ब्रेक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ब्रेक करने के बाद ए क्रॉस ए जीरो हो जाएगा, राइट। इसका मतलब ये हो गया ए क्रॉस बी, ओके। यहाँ से कुछ लाभ मिलेगा क्या? यहाँ से तो कुछ लाभ मिलेगा चांस है नहीं।
एक एक मिनट रुकिएगा, पहले कर लेते हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, फिर बी क्रॉस ए। अब बी क्रॉस बी तो जीरो हो जाएगा, बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए अब प्लस सी क्रॉस बी, बी इक्वल टू जीरो। ए और ए मिलकर तो जीरो हो जाएगा, फिर ए और ए मिलकर जीरो हो जाएगा, फिर ए यहाँ से कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, करेक्ट। जैसे यहाँ पे तो एक इक्वेशन दिख रहा था बट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस है, तो बी क्रॉस ए को तो हम लोग माइनस ए क्रॉस बी लिखेंगे, तो ये तो ऑटोमेटिक दोनों मिलकर जीरो हो जाएगा, राइट। ए भी ऑटोमेटिक मिलकर, मतलब इस ए काम करने से हम लोग को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर ही जो भी दिमाग लगाना है यहाँ से लगाना है, बट ओके। यहाँ देखिए, यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि ए स्क्वायर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, ऑब्वियसली ए बी सी का वैल्यू जीरो नहीं रहेगा, एक ट्राइंगल का लेंथ है, इसका मतलब इस इन इन सब का डॉट ये पूरा वैल्यू का वैल्यू निगेटिव रहेगा, और निगेटिव रहेगा तब तो ए पॉजिटिव है, ये कभी निगेटिव रहेगा, ए पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली इसका इसका मतलब यहाँ पे c डॉट a इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई टू विथ निगेटिव साइन, ये तो यहाँ से एक लाभ है। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया एवरीवन, ऑप्शन ए रिजेक्ट हो गया है। अब देखना है ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए कैसे करते हैं, ये देखना है ये होगा या नहीं होगा। इसको यहाँ तक आइए, मतलब यहाँ से सिर्फ हम लोग एक लाभ मिला कि ए जीरो के बराबर नहीं रहेगा, ए जीरो बिकॉज यहाँ पे है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हाँ इसका वैल्यू इसके बराबर रहेगा और ओवरऑल वैल्यू निगेटिव रहेगा, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। अब देखना है ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए कैसे होता है वो देखना है, और ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए, तो ए डॉट बी, चलिए यहाँ तक आइए, यहाँ तक आइए, हो गया ना। ओके, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है, तो ए इक्वल टू माइनस बी प्लस सी कर सकते हैं, और दोनों तरफ अगर हम लोग डॉट लेते हैं तो ए डॉट ए इक्वल टू माइनस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी ए स्क्वायर हो जाएगा, बट यहाँ से भी कुछ लाभ नहीं मिलेगा। ओके, ए डॉट बी, किसी को ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है, ऑडियो अपना म्यूट कीजिए। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे वेक्टर ए है और ए एंगल, तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि यहाँ पे ए डॉट बी और बी डॉट सी और सी डॉट ए इक्वल नहीं, यहाँ पे तो जब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल रहता था हम लोग बोल सकते थे कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए, इज इट राइट। अगर मेरा ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल रहेगा, करेक्ट ना, अगर मेरा ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल रहता तब हम लोग बोल सकते थे कि ए डॉट बी बी डॉट सी, क्योंकि साइड लेंथ इक्वल रहता, मैग्नीट्यूड इक्वल रहता और एंगल भी सेम रहता, राइट।
तब बोल सकते थे कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए, बट जब इक्वल नहीं है तो सी तो सी भी रिजेक्ट हो गया। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए कब हो सकता था? जब ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम और सबके बीच में एंगल सेम रहता, वेक्टर ए और बी, वेक्टर बी और सी और वेक्टर सी और ए का मैग्नीट्यूड भी और एंगल भी सेम रहता, तो ऑप्शन सी भी रिजेक्ट होना चाहिए। अब हम लोग को काम करना है बी और डी में। ओके, तो बी के लिए अगर ए प्लस बी अब प्लस सी इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें अगर ए क्रॉस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी करते हैं, इसके साथ किसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी, तो ए क्रॉस बी और लेते हैं सी क्रॉस ए, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए। तो मुझे एक भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, आंसर क्या है? 41 का बी, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए इक्वल टू सी क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। बी क्रॉस सी, ठीक है, सी क्रॉस ए, ए क्रॉस, देखिए ए और बी का, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन तो सेम है, क्योंकि मेरा ट्रायंगल अगर व्हाइट बोर्ड में है तो ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर एंड अवे फ्रॉम द व्हाइट बोर्ड ए रहेगा, बी क्रॉस सी का भी परपेंडिकुलर टू द व्हाइट बोर्ड एंटी क्लॉकवाइज है एंड अवे फ्रॉम द व्हाइट बोर्ड, और सी क्रॉस ए भी परपेंडिकुलर टू द व्हाइट बोर्ड एंड अवे फ्रॉम द व्हाइट बोर्ड, चलिए पर निकाल के देखते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ये आप आपको समझ में आ रहा है कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए का सबका डायरेक्शन सेम रहेगा, ये है मेरा वेक्टर ए, ये है मेरा वेक्टर बी और ये है मेरा वेक्टर सी, तो ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू व्हाइट बोर्ड, बी क्रॉस सी अगेन परपेंडिकुलर टू द व्हाइट बोर्ड एंड अवे फ्रॉम द व्हाइट बोर्ड, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज के लिए आउटवर्ड, राइट, और सी क्रॉस ए, मैं वेक्टर को आगे बढ़ा रहा हूँ, किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं वेक्टर विल नॉट चेंज, तो डायरेक्शन तो सेम है बट इसका वैल्यू ए बी साइन थीटा, एक बार देखते हैं शायद कहीं पे मिस हो रहा हो, तो ए मेरा अगर मान लेते हैं कि ये मेरा है अल्फा और ये मेरा बीटा है और ए मेरा अगर गामा है, तो ए मेरा कितना हो जाएगा, 180 माइनस बीटा, यस, तो क्या लिखेंगे ए बी, और साइन 180 माइनस बीटा कितना होता है, साइन बीटा ना, साइन बीटा एन कैप, राइट, और बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा, बी सी अगेन साइन गामा एन कैप, यहां पे तो रहेगा ए एंगल 180 माइनस गामा, इज इट राइट, और सी क्रॉस ए इक्वल टू सी ए साइन अल्फा, अगेन ए अल्फा तो ए 180 माइनस अल्फा एन कैप, तो इतना वैल्यू आया है, अब ए बी साइन थीटा,
अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता तब एक हो जाता बट ऐसे तो एक मिनट फिर भी कोशिश किया जाता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो तब तो सी भी होता और बी भी होता, डी ए और डी नहीं होता। बट कोई बात नहीं है, यहाँ पे देखिए तो ए एच नहीं, नहीं इसमें ऑप्शन सिर्फ जब तक इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं रहेगा तब तक हम लोग क्लियर कट नहीं बोल सकते हैं, और डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा बिकॉज ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए ऑल आर इन द सेम डायरेक्शन, इज इट राइट? और कोई भी तीन वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो उसका रिजल्टेंट कभी जीरो होगा क्या? तो डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, अब बी तभी होगा जब मेरा ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, राइट? इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट? ऑप्शन बी होने लिख लीजिए, यस वही मैं बोल रहा हूँ, ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल मेंशन कर लीजिए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर मेंशन कीजिएगा तो बी और सी दोनों करेक्ट हो जाएगा, समझे? तो उस केस में बी एंड सी बोथ आर करेक्ट, मॉडिफाई कर लीजिए, इसमें बना लीजिएगा ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर देन ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर डज नॉट एक्सीड ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना रहेगा? ए ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ऐसे क्या लिखे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी क्या लिख सकते हैं? कॉस बीटा, वेयर बीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी और प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू सी ए कॉस गामा। अब यहाँ पे ए वैल्यू कितना हो जाएगा? दो। ए भी वैल्यू कितना हो जाएगा? टू। और ए वैल्यू भी कितना हो जाएगा? टू, बिकॉज ए बी सी क्या है? यूनिट वेक्टर, राइट? तो टू प्लस टू प्लस टू कितना हो गया? सिक्स ना, सिक्स। और ए वैल्यू कितना रहेगा? ए इंटू बी, ए का वैल्यू वन बी का भी वैल्यू वन, तो टू कॉस अल्फा अब प्लस कॉस बीटा अब प्लस कॉस गामा, करेक्ट? ए वैल्यू आया किसका? दिस इक्वल टू, इज इट राइट? तो भाई इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? तो देखिए, इसका मैक्सिमम वैल्यू तो हो सकता है सिक्स, इससे ज्यादा पॉसिबल है? एक मिनट, इससे ज्यादा पॉसिबल हो सकता है बोलिए कब? जब एम माइनस वन हो जाए और ये भी माइनस वन, ये भी माइनस वन, तो माइनस थ्री और यूनिट वेक्टर है डज नॉट एक्सीड, बट अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा इसका वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू लेना है। और इसको होना है पॉजिटिव, बट ए बी बी सी और सी है। तो अल्फा बीटा गामा,
एक मिनट, अगर ए और बी के बीच में एंगल जीरो ले लेंगे, अगर ए और बी के बीच में अगर एंगल जीरो, तो ए और माइनस बी के बीच में, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये अगर मेरा वेक्टर ए है और ये मेरा वेक्टर बी है, तब उस केस में तो वन नहीं, और अगर ए और बी के बीच में एंगल अगर 180 मान लेते हैं, तो फिर ए और सी के बीच का एंगल, सी के डायरेक्शन में लेना पड़ेगा मैक्सिमम वैल्यू, और बीच में माइनस है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इस पे डिपेंड करेगा। तो आंसर क्या है? बी 9। बी होने के लिए मैग्नीट्यूड इक्वल होना पड़ेगा, नहीं तो वो तो मैग्नीट्यूड किसका मैग्नीट्यूड, ये पहले ही बोला हुआ है ए बी सी यूनिट वेक्टर, तो सबका मैग्नीट्यूड 1 है, राइट? ऑलरेडी बोला हुआ है कि मैग्नीट्यूड इक्वल है, ए बी सी आर यूनिट वेक्टर। तो अब यहाँ पे देखना है कि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, मतलब हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ, तो माइनस 3/2। ओके, इसका मतलब कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, इन तीनों का सम, तीन वेक्टर है और तीन एंगल है, एक मिनट रुकिए, तीनों का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तीनों का सम का मिनिमम वैल्यू, -3। तो -3 लेंगे तो -3 क्या आपका सूटेबल रहेगा, वो मैं भी सोच रहा था, अगर -3 लेते हैं तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो होना चाहिए इन -3 लेने का मतलब है कि अल्फा 180, बीटा भी 180, करेक्ट ना, और गामा भी 180, इसका मतलब है कि ए और, इसका मतलब ये है कि ए और बी का डायरेक्शन, ए और बी 180 पे है और बी और सी भी 180 पे है, करेक्ट ना, और सी और ए भी 180 पे है, राइट? इस टाइप का सिचुएशन रहेगा, ए एंड बी के बीच में एंगल 180 और बी और सी के बीच में एंगल, तो ये इलॉजिकल हो गया ना स्टूडेंट, कि अगर ए और बी के बीच में, यहाँ देखिए ये क्यों नहीं पॉसिबल है कि ए और बी के बीच में अगर एंगल 180 है तो बी और बी और सी के बीच में भी एंगल 180 है, इसका मतलब बी बी के जस्ट अपोजिट सी को होना पड़ेगा, तो इसी डायग्राम में अगर सी को दिखाएंगे, समझ गए, तो यस, तब ए और सी जीरो हो जाएगा, पॉसिबल है एक साथ, ये मानना ये पॉसिबल नहीं था, पहले सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आया था कि इसको भी -1 करते हैं, -1 तो -3 और -1 बिकम्स प्लस, तो 6 + 6 हो गया 12, राइट? बट अगर ए और बी के बीच में एंगल 180 लेते हैं और बी और सी के बीच में भी एंगल 180 लेते हैं, तो ए और सी पैरेलल हो जाएगा, इट राइट? इसका
इसका मतलब है कि यहाँ पे एक चीज सीखने को मिल रहा है कि ये देखिए इस क्वेश्चन से सीखिएगा, ए बी और सी अगर इसके बीच में एंगल एक मिनट 120, 120 और 120 रखते हैं, करेक्ट। यहाँ से चीज़ों को सीखिए, अगर 120, 120, 120 रखिएगा तब जाकर इस ब्रैकेट का, इस ब्रैकेट का इसका मतलब है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। यहाँ देखिए ये एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, अगर कोई तीन एंगल है राइट, तो अगर तीन एंगल है तो इसमें अगर तीन वेक्टर है, यूनिट वेक्टर या कोई भी वेक्टर, नॉट इवन यूनिट वेक्टर, तो तीन अगर इक्वल वेक्टर है तो उसका मैक्सिमम इसका वैल्यू होने के लिए तीनों को अगर वन, जो मेरा यहाँ पे मैं रिवर्स कर रहा हूँ इन तीनों का मतलब ऑप्शन से मैंने चेक किया और यहाँ से कंक्लूड कर रहा हूँ कि अगर एंगल 120 120 120 अगर इक्वल एंगल पे एक दूसरे से रखा जाए, इक्वल एंगल पे एक दूसरे से, तो वो इक्वल एंगल क्या बन सकता है, 120 120 120 बन सकता है राइट। और अगर वन तब जाकर इंच का सम मिनिमम रहेगा, इस ब्रैकेट का सम मिनिमम रहेगा, बाकी अगर आप कुछ भी करेंगे तो इस ब्रैकेट का सम मिनिमम नहीं हो पाएगा, और अगर मिनिमम रहेगा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, जस्ट लाइक दिस ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन से जो आप सीख रहे हैं वो वहाँ पर नोट कर लीजिए कि अगर मेरे पास तीन वेक्टर है और तीनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है उस एंगल का, उसके एंगल के कॉस का वैल्यू का सम मिनिमम तभी होगा जब मेरा एंगल क्या रहेगा 120 120 120 पर रहेगा, ठीक है। ये पॉसिबल है, बाकी कोई चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं था इसको मिनिमम बनाने के लिए, क्योंकि ये मेरा मिनिमम रहेगा तो ये पूरा वैल्यू मेरा मैक्सिमम हो जाएगा राइट। मैंने यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया कि सबसे मिनिमम वैल्यू अगर ए नहीं रहता, ए वाला टर्म नहीं रहता, ए अगर टर्म नहीं रहता और ऐसा वेक्टर का कंडीशन नहीं रहता, तब कोई पूछता है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का मिनिमम वैल्यू क्या, तब तो मैं -1 -1 -1 पुट कर देता राइट। बट यहाँ पे एट ए टाइम अल्फा बीटा गामा का वैल्यू एक साथ 180 नहीं ले सकते हैं, करेक्ट, क्योंकि अगर ए और बी के बीच में एंगल 180 और बी और सी के बीच में एंगल 180 तो ए और सी के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट। दिस इज अब उसके बाद तो यहां पे मैंने एक ऑप्शन से क्रॉस चेक किया, ऑप्शन से क्रॉस चेक किया कि आंसर यहां पे 9 था, ये तभी पॉसिबल है जब इसका वैल्यू -3/2 हो जाए, और -3/2 कब होगा जब -1/2 -1/2 रहेगा राइट। इसका मतलब यहाँ से अगर मेरे पास कोई यूनिट, यहाँ पे कोई यूनिट वेक्टर नहीं, कोई इक्वल वेक्टर रहेगा, कोई भी थ्री इक्वल मैग्नीट्यूड वाई इक्वल वेक्टर, मैग्नीट्यूड वाई इक्वल वेक्टर रहेगा, और उसका इन तीनों का सम का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इन तीनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या रहना पड़ेगा, इक्वल एंगल रहना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है ना। ये नोट कर लीजिए, नहीं 120 डिग्री का तो दिखाया था कि इसका अगर 120 120 120 पर रहता है तो इन तीनों का सम जीरो होता है, मैं ही लिखवाया था ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो होगा अगर ये तीनों इक्वल वेक्टर रहेगा तो, ठीक है, ए मैं लिखवाया था। तो अब लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा बात था, तो इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू इस कंडीशन के लिए, इसका मिनिमम वैल्यू के लिए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 120 कर लीजिए, ठीक है, तो 2 हो जाएगा तो कितना -1/2 -1/2 -1/2 तो ये हो जाएगा 9। ये यहाँ पे इस क्वेश्चन से सीखने को मिल रहा है। 42 पे स्टार लगा दीजिए भाई, ये थोड़ा सा अनयूजुअल टाइप का क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांस कम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 इसको हटाएं।
अब ए क्रॉस यहाँ देखिए, ये तो सिंपली निकालना था, इसे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, राइट। ए इक्वल टू आई माइनस के, बी इक्वल टू एक्स आई जे प्लस वन माइनस एक्स के, इज इट राइट। और सी इक्वल टू वाई आई प्लस एक्स जे प्लस वन प्लस एक्स माइनस वाई के। तो निकालना क्या है, ए क्रॉस बी डॉट सी, इज इट राइट। ए क्रॉस बी डॉट सी का वैल्यू पता था ना आप लोग को, क्या लिखते थे? जहाँ तक मुझे पता है बी एक्स बी वाई सी जेड, राइट। और माइनस बी जेड सी वाई आई, यही था ना। ए क्रॉस बी डॉट सी ट्रिपल स्क्वायर, एक मिनट, ए क्रॉस बी डॉट सी, इसका वैल्यू क्या था एवरीवन? ओके ओके सॉरी, वही ए वाई बी ए वाई, फिर से एक बार बोलिए पूरा वैल्यू बोलिए। ए बाई बी जेड माइनस ए जेड बी बाई आई इंटू सी एक्स, राइट। अब प्लस उसके बाद क्या था, ए जेड बी एक्स और माइनस एक्स बी जेड, और उसके बाद सी वाई ना यहाँ पे, अब प्लस उसके बाद ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स सी जेड, इज इट राइट। ए वाई मेरा यहाँ पे है, ए वाई तो जीरो है ना स्टूडेंट, यहाँ पे तो जे है ही नहीं, करेक्ट। तो ए टाइम जीरो हो जाएगा, कर समझ रहे हैं। यहाँ पे आपके पास ए वाई है, बाय जे है ही नहीं, तो ए टर्म जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस ए जेड कितना है माइनस वन ना, अब बी वाई कितना है वन, और सी एक्स कितना है वाई, सी एक्स है मेरा यहाँ पे वाई, ठीक है। ए जेड कितना है इस ब्रैकेट के आ रहे हैं माइनस वन, बी एक्स कितना है एक्स, राइट, माइनस एक्स कितना है वन, बी जेड कितना है बी जेड वन माइनस एक्स, और उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कितना से करना है सी वाई से, सी वाई कितना है एक्स, राइट। अब प्लस एक्स कितना है, एक्स है वन, करेक्ट। बी वाई कितना है वन, और फिर ए वाई कितना है, ए वाई तो है ही नहीं, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। और सी जेड कितना है, सी जेड है वन प्लस एक्स माइनस वाई, देख तो सही, मैंने सही लिखा, ए वैल्यू वन था, करेक्ट ना। एक्स बी वाई वन था, तो वन इंटू वन प्लस एक्स माइनस वाई। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, वाई हो गया माइनस एक्स, अब माइनस वन अब प्लस एक्स, करेक्ट, इंटू एक्स अब प्लस वन प्लस एक्स माइनस वाई, ए और ए कैंसिल कर दें, तो ओवरऑल क्या बचेगा, ओवरऑल बचेगा बाई माइनस एक्स अब प्लस वन एक्स माइनस वाई। इसका मतलब वैल्यू हो, इसका मतलब डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स एंड वाई,
डिपेंड्स ऑन नीदर एक्स नॉर वाई, करेक्ट ऑप्शन शुड बी सी। देखिए तो सी है, फोर्टी थ्री का सी है। मतलब इसमें क्या था, बस हम लोग को पेशेंस चेक किया जा रहा था कि आप लास्ट तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, राइट। तो एक्स और वाई कैंसिल हो गया, क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, ये समझ में आ गया है एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 44, ए इक्वल टू आई ए ए कॉस थीटा आई कैप और ए साइन थीटा जे कैप। अनदर वेक्टर बी विच इज नॉर्मल टू ए। तो भाई इस केस में आपको ऑप्शन से क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और नॉर्मल होने के लिए क्या होना चाहिए, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, राइट। तो ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, तो आप यहां देखिए ऑप्शन से जाइए और किस ऑप्शन में जीरो आता है वो देखिए। पहले ऑप्शन ए देखिए, मतलब हम लोग को वेक्टर बी मानना है, तो वेक्टर बी मानने के लिए पहले ऑप्शन ए को देखिए, ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन सी को देखिए, अदरवाइज इसको ऐसे सॉल्व कीजिएगा तब सॉल्व नहीं होगा। इसलिए इसमें रिवर्स प्रोसेस, पहले वेक्टर बी को मान लीजिए। आप समझे मैंने क्या बोला? अरे भाई हाँ या ना तो बोलिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको दिमाग में आ रहा है कि मैंने क्या बोला? क्या बोला सर? मुझे वेक्टर बी, पहले ऑप्शन ए को वेक्टर बी मानना है, फिर ऑप्शन बी को मानना है वेक्टर बी, फिर ऑप्शन सी को मानना है, जिसके लिए ए डॉट बी जीरो हो जाएगा, वो सारा वेक्टर ए पे नॉर्मल होगा, राइट। तो जल्दी से क्रॉस चेक करके बताइए कि कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट है, रिवर्स प्रोसेस। कर पाएंगे? ऐसे मुझे तो सामने ही ऑप्शन सी दिख रहा है, बाकी किस ऑप्शन सी है ना, बाकी किसी में नहीं होगा, ऑप्शन सी में जीरो होगा, राइट। तो यहाँ इस क्वेश्चन से क्या सीखेगी सर, कभी कभी ऑप्शन को भी पुट करके देखना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग बी क्या मानते रहेंगे, नहीं हो पाएगा, राइट। इसलिए इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन से आंसर पे आना था। क्वेश्चन नंबर 45, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 16। सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज एंड रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू अ स्मॉलर फोर्स। ये तो बढ़िया प्रॉब्लम हो गया आपका। आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया था? देखिए दो फोर्स है, ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड F1 प्लस F2, ये मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड है 16, करेक्ट, इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड एवरीवन, ठीक है ना, और इन दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है कितना, 8, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, करेक्ट। एंड इट्स डायरेक्शन इज एंड रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन, अब मान लेते हैं कि एफ वन should be less than F2,
एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू अ स्मॉलर फोर्स। तो भाई रिजल्टेंट ये अगर F1 पे रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है, इसका मतलब डैम से और F1 F2 के बीच का एंगल 90 से बड़ा रहा होगा, राइट? क्योंकि दो वेक्टर का रिजल्टेंट तो उसके बीच में ही होता है, करेक्ट ना? दो वेक्टर का रिजल्टेंट, यहाँ देखिएगा, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कहाँ होता है? उसके बीच में रहता है, करेक्ट ना? समवेयर बिटवीन। इसका मतलब क्वेश्चन के लैंग्वेज से, और मैंने मान लिया कि F1 का मैग्नीट्यूड F2 से कम है, लेट अस सपोज, और ये रिजल्टेंट मेरा F1 पे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब लॉजिक क्या हो गया कि F1 और F2 के बीच का एंगल एक्यूट रहेगा या ऑब्ट्यूज रहेगा? ऑब्ट्यूज रहेगा। ओके, यहाँ तक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। देन फोर्सेज आर, इसका मतलब मुझे F1 और F2 का इंडिविजुअल वैल्यू निकालना है। F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर अब प्लस 2F1F2 कॉस थीटा। इसको अगर अल्फा मान लिया जाए, अरे तो 90 रहेगा, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 90 प्लस अल्फा रूट ओवर इक्वल टू 8। यहाँ से F1 का स्क्वायर अब प्लस F2 का स्क्वायर, ये मैं इसको अलग मान लिया, और यहाँ पे जो फार्मूला था दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड के लिए, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1F2 कॉस 90 प्लस अल्फा इक्वल टू 8। 2F1F2 कॉस 90 प्लस अल्फा इक्वल टू क्या, साइन अल्फा ना, इक्वल टू 64। मैंने दो तरफ स्क्वायर कर दिया। कॉस 90 प्लस अल्फा, अच्छा माइनस साइन अल्फा, यस। इसको एक ऑप्शन रख कर लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेरा साइन अल्फा, तो साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर, तब F1 बाई
हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब ये 90 डिग्री है ना, ये 90 रहेगा तो एफ वन बाय एफ टू। देन एफ वन इक्वल टू एफ टू साइन अल्फा। एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर माइनस टू एफ वन स्क्वायर इक्वल टू 64। इसका मतलब एफ टू स्क्वायर माइनस एफ वन स्क्वायर इक्वल टू 64। करेक्ट ऑप्शन शुड बी ए। देखिए तो ये है, फिर मैं समझाता हूँ। देखिए हुआ क्या था, ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब बढ़िया क्वेश्चन, इस पर स्टार लगा लीजिएगा। देखिए यहाँ पे दो एफ वन और एफ टू का मैग्नीट्यूड का सम 16 दिया हुआ था, करेक्ट स्टूडेंट। और इन दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना, 8 दिया हुआ था। और मैंने इसके बीच में एंगल अल्फा मान लिया, तो एफ वन प्लस एफ टू के लिए ये मेरा पूरा ए मेरा है एफ वन और ए है मेरा एफ टू। जैसा क्वेश्चन में बोला गया था कि एफ टू बड़ा है, एफ जो छोटा है उसी पर रिजल्टेंट परपेंडिकुलर, ये मेरा रिजल्टेंट था, राइट। तो मेरा एफ वन और एफ टू के बीच का एंगल तो 90 प्लस अल्फा रहेगा, तो मैं यहाँ पर ए लिख सकता हूँ इसके बदले। ये जस्ट मैंने कुछ सॉल्व करने के लिए ये सोचा, तो एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस 90 प्लस अल्फा इक्वल टू 8 स्क्वायर कर दिया। और 90 प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस साइन अल्फा। अब यहाँ पे मेरे पास प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि इन्फॉर्मेशन 2 दिया हुआ है और अननोन 3 आ रहा था, एफ वन एफ टू और अल्फा, करेक्ट। एफ वन एफ टू तो एक और इन्फॉर्मेशन ये था कि इस पर 90 डिग्री है, तो ए 90 है तो ए भी तो 90 हो जाएगा। और ए मेरा वेक्टर एफ वन है तो ए भी तो मेरा वेक्टर एफ वन ही रहेगा, ये राइट। पैरेललोग्राम मैंने बना दिया तो ए वेक्टर डिफरेंट वेक्टर रहेगा, सेम वेक्टर रहेगा। अब ट्रायंगल पी क्यू आर पे मैंने कॉन्सेंट्रेट कर लिया और तब मैंने लिखा इस ट्रायंगल में साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, राइट।
साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई एफ वन बाई एफ टू। तो इसका मतलब है कि एफ वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ वन इक्वल टू हो जाएगा एफ टू साइन अल्फा। तो मैंने एफ टू साइन अल्फा के बदले कितना क्या पुट कर दिया, एफ वन, इज इट राइट। तो यहाँ पे कितना हो गया, एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर माइनस टू एफ वन इक्वल टू 64। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर माइनस टू एफ वन स्क्वायर इक्वल टू 64, मतलब यहाँ से यहाँ आ गए, करेक्ट। अब मुझे लग रहा था कि सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज ये दो इक्वेशन है, दो अनंत से सटीक से बैठ रहा है, अल्फा को गायब कर दिया। एफ टू स्क्वायर माइनस एफ वन स्क्वायर को क्या ऐसे लिख सकते थे, ये मुझे नाइन्थ क्लास का याद आ गया, नाइन्थ क्लास में ऐसा मैथ हम लोग सॉल्व करते थे, एफ टू माइनस एफ वन इंटू एफ वन प्लस एफ टू इक्वल टू 64। और एफ वन प्लस एफ टू का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, राइट। तो एफ वन प्लस एफ टू का वैल्यू 16 था, तो एफ टू माइनस एफ वन इक्वल टू 4 आ जाएगा यहाँ से भाई। ये इसके बाद 16 पुट कर दिए, तो एफ टू माइनस एफ वन इक्वल टू 4 आया, तो एफ टू माइनस एफ वन इक्वल टू 4 और एफ वन प्लस एफ टू इक्वल टू 16, एफ टू माइनस एफ वन इक्वल टू 4, दो इक्वेशन दो अननोन ऐड कर दिए, ए आर ए कैंसिल हो गया, टू एफ टू इक्वल टू 20, देन एफ टू इक्वल टू 10, तो एफ वन कितना बचेगा 6, ठीक है। ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिए। सबको समझ में आ गया सॉल्यूशन, यहाँ पे तो कुछ इसके बाद तो आसान ही था, एफ वन स्क्वायर आए कितना है माइनस टू एफ वन स्क्वायर ना, तो यहाँ के बाद मैं यहाँ पे गया, एफ वन स्क्वायर माइनस टू एफ वन स्क्वायर कितना बचेगा माइनस एफ वन स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं जानते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वही तो किया हूँ। और इसका वैल्यू मेरे हाथ में था 16, इसलिए एफ टू माइनस एफ वन इक्वल टू 4 निकल गया, करेक्ट। चलिए, पर थोड़ा सा बढ़िया प्रॉब्लम था, हटाए क्वेश्चन नंबर 46। ये क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, इसको मैं नहीं लूँगा। देन द अरे ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, वहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, राइट। ये तो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, 3n, 4n एंड 12n एक्ट एट ए पॉइंट इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड देन मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्सेस। ये तो भी तो आसान है भाई, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कि कोई एक पॉइंट है, इस पर 3 फोर्स लग रहा है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो सबसे बढ़िया क्या रहेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस मान लीजिए, एक फोर्स एफ वन अलोंग एक्स एक्सिस कर लीजिए, दूसरा मान लीजिए अलोंग वाई एक्सिस एफ टू, और तीसरा क्या कर लीजिए अलोंग जेड एक्सिस एफ थ्री, सबसे बेस्ट रहे ए रिप्रेजेंटेशन रहेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू क्या, एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री, इट राइट। एफ वन के लिए 3i लिख दीजिए, एफ टू के लिए 4j लिख दीजिए, और एफ थ्री के लिए 12k लिख दीजिए, और इन सब का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बोलिए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इज इट राइट। ये हो गया कितना, 169। भाई 169 ही तो होगा, क्या प्रॉब्लम है, 9 प्लस 16 25 प्लस 144 169 रूट ओवर, राइट 13 न्यूटन। देखिए तो ऑप्शन बी है, तब एक क्वेश्चन तो आसान था, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगा, अगर 3 वेक्टर है तीनों में चले परपेंडिकुलर इच अदर, तो बेस्ट है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस मान लें, करेक्ट।
चलिए 46 47 हो गया, उसके बाद 50। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर विच रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड कैन बी एडेड टू गिव जीरो रिजल्टेंट। मिनिमम पूछा जा रहा है, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर विच रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड। ओहो, यहाँ देखिए, सबसे पहले तो दिमाग में आता है कि दो वेक्टर ले लेते हैं, मिनिमम दो, और दोनों को 180 पे करते तो रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, राइट। लेकिन डिफरेंट मैग्नीट्यूड बोला गया है, राइट, सेम मैग्नीट्यूड या डिफरेंट मैग्नीट्यूड, तो डिफरेंट मैग्नीट्यूड रहेगा तो 180 कीजिएगा तो दो वेक्टर लेकर जीरो हो पाएगा, तो उसके लिए मिनिमम तीन लेना चाहिए, नहीं ए मिनिमम तीन, करेक्ट, लाइक ए बी और सी। इसका मतलब ये नहीं लगता है कि ये पॉलीगॉन लॉ से क्वेश्चन हो गया, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अरे क्लोज पॉलीगॉन बनाते हैं तो क्लोज विथ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, अगर सेम मैग्नीट्यूड रहता तो दो से हो जाता, बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो तो वो काम पॉलीगॉन लॉ मतलब क्लोज पॉलीगॉन बनना पड़ेगा, तो उसके लिए मिनिमम कितना, ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे तो करेक्ट आंसर शुड बी थ्री। आंसर क्या है, ठीक है, एक क्वेश्चन पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से था, क्वेश्चन नंबर 50। आप लोग समझे मैंने स्टूडेंट मैंने क्या बोल दिया, मैंने ये भी समझाया कि दो क्यों नहीं हो सकता है और फिर समझाया कि तीन क्यों हो सकता है, राइट। बहुत समस्या है भाई, कम से कम हाँ ना तो बोलिए, अगर समझ गया तो प्रॉब्लम क्या है आप लोग को, क्या प्रॉब्लम है, हाँ और ना बोलने में भी प्रॉब्लम है, समझ में आ गया है। तो भाई इतना एफर्ट, कम से कम एक बार अनम्यूट करके हाँ सर तो बोल सकते हैं कि हाँ समझ में आ गया, अदरवाइज मेरे माइंड में चलता है कि शायद मैं जो बोल रहा हूँ आपके पास ये नहीं जा पा रहा है। मैंने यहाँ पे बोला कि सबसे दो आपके पास एक सेम प्लेन में वेक्टर लेने का इंडिपेंडेंसी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो मिनिमम कितना वेक्टर सेम व्हाइट बोर्ड में लिया जाए कि उसका रिजल्टेंट जीरो हो जाए। तो सबसे पहले तो दिमाग में आता कि दो वेक्टर लेते हैं और दोनों को एक दूसरे से 180 पर रखते हैं, राइट, लेकिन ये काम नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि डिफरेंट मैग्नीट्यूड का बोला गया था, तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा तो ए और बी 180 पे होते हुए भी क्या उसे को काउंटर कर पाएगा, जीरो कर पाएगा रिजल्टेंट, नहीं कर पाएगा। इसका मतलब दो वेक्टर लेने का चांस आपके पास खत्म हो गया बिकॉज डिफरेंट मैग्नीट्यूड था। तब फिर मुझे याद आया कि अगर तीन वेक्टर लें डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड का और अगर उसको इस तरीके से सजाया जाए तो क्लोज पॉलीगॉन बन जाए, तो क्लोज पॉलीगॉन का रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब मेरे माइंड में आ गया क्लोज पॉलीगॉन बनाया जाए, दो वेक्टर तो ले नहीं सकते हैं तो क्लोज पॉलीगॉन, तो पॉलीगॉन बनाने के लिए मिनिमम कितना साइड चाहिए आपको, पॉलीगॉन थ्री से तो ही स्टार्ट होगा, दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज थ्री, करेक्ट, ए बी एंड सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 भी हो गया, तो आज 50 तक रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास 51 ऑनवर्ड्स, ठीक है। चलिए हाँ हाँ बोलिए, इसको तो जीरो कर लेंगे बिकॉज ए जीरो है, राइट, यस, तो ए क्रॉस ए तो जीरो हो जाएगा, ए क्रॉस बी आई ए क्रॉस सी इक्वल टू जीरो, उसके बाद तो ए क्रॉस बी
इक्वल टू हो गया C क्रॉस A, नहीं A क्रॉस B इक्वल टू C क्रॉस A। ओहो यस स्टूडेंट, अब फिर B क्रॉस A प्लस B प्लस C अगर करते हैं इक्वल टू ज़ीरो, तब यहाँ से B क्रॉस A प्लस B क्रॉस C, तो यहाँ से फिर से प्रूफ हो गया B क्रॉस C इक्वल टू A क्रॉस B, इज इट राइट। A इस तरफ जाएगा तो माइनस B क्रॉस A रहेगा, तो उसको उल्टा करके A क्रॉस B कर सकते हैं, तो यहाँ से हो गया B क्रॉस C इक्वल टू A क्रॉस B, इज इट राइट। और उसके बाद C क्रॉस A प्लस B प्लस C इक्वल टू ज़ीरो, तो C क्रॉस A प्लस C क्रॉस B, और C क्रॉस C तो जीरो हो जाएगा, इसका तो C क्रॉस A इक्वल टू A उस तरफ लेके जाएंगे, तो क्या B क्रॉस C कर सकते हैं, माइनस C क्रॉस B रहेगा। आप लोग हाँ हाँ बोलते रहिएगा तभी तो बताएंगे। तो यस, तो यहाँ से वेरी गुड, इसको इसको और इन तीनों को अगर एक साथ ऑब्जर्व किया जाए तो इन तीनों को मिलाकर तो हम लोग यही बोल रहे हैं, ये आया कि A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस C और इक्वल टू व्हाट, C क्रॉस A, समझ गए, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए समटाइम्स स्टूडेंट का भी माइंड क्लिक कर सकता है और मुझे यही चाहिए, तो मैं वहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन देख रहा था, उसमें एक ऑप्शन एक बार छूट गया था। ओके वेरी गुड, वो इसको में कौन सा ऑप्शन था, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए, आंसर क्या था, बी था। फोर्टी वन का, वेरी गुड वेरी गुड, तो बन ही गया 41, नहीं तब इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं भी हो सकता है, करेक्ट। ओके चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहेगा 51 onwards, ओके आज से इतना। हाँ बोलिए, मैं हूँ, लाइन लाइन टू बोलिए।